किसी भाई ने मुझे कमेंट किया और मुझे कहा कि भाई आप अपनी पूरे दिन की रूटीन शेयर करें सुबह से लेके रात तक। आई फील सो काइंड ऑफ एक्टिव राइट नाउ, तो मैं सोच रहा हूँ बजाय घर जाने के हम पहले हाथ जिम चले जाते हैं। आप लोगों को मेरे घर की औरतें व्लॉग्स में नजर नहीं आएंगी। आपके जो साथ पड़ोसी है ना, अगर आपने उनको भी मिलने जाना है तो आपको उनको हफ्ता पहले दो हफ्ते पहले भाई बताना पड़ता है कि भाई हम इस डेट को आएंगे आपको मिलने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का करम अल्लाह का फजल बिल्कुल ठीक ठाक। लो जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं जॉब पे हूँ। यस, ये मेरा ब्रेक रूम है जॉब का। जिन जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, आज का व्लॉग मैं जॉब से शुरू कर रहा हूं और सुबह के बजने वाले हैं 5:30 और मैं जॉब से निकलूंगा तकरीबन 7:15 तक। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं जॉब से व्लॉग शुरू कर दूं। इसके रीज़न मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन सबसे पहले उन सब लोगों का जी बहुत 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 शुक्रिया जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को गौर से देखा, सुना, समझा और उस पर मुझे अप्रिशिएट किया, लाइक किया और सब्सक्राइब भी किया, जिसकी मैंने डिमांड तक नहीं की थी। गाइज लव यू गाइज, बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को सबको जजा दे और स्पेशली थैंक्स उन सैयदजादों का। मुझे बहुत खुशी हुई सैयदजादों ने अंदर मैसेज किया, कमेंट्स किए मेरी वीडियोस पे। बहुत खुशी हुई उन सैयदजादों के कमेंट्स देख के। ओह माय गॉश, आई फील सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू, दिल से, अल्लाह की कसम दिल से। लो जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरी डेली की रूटीन, मतलब कि मैं एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ। यू गाइस गोना बी बोर्ड, मैं आपको पहले बता रहा हूँ मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं है, कोई खास एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ एक है जिम, जिसके बारे में मैं आप लोगों को हज़ार दफ़ा बता चुका हूँ। लेकिन मेरे किसी भाई ने मुझे कमेंट किया और मुझे कहा कि भाई आप अपनी पूरे दिन की रूटीन शेयर करें सुबह से लेके रात तक। तो मैंने सोचा भाई अगर सुबह से लेके रात तक की रूटीन शेयर करनी है तो जॉब से ही व्लॉग शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए जी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं आप लोगों को फिर बता दूं मैं ओवरनाइट काम करता हूं। शाम को 6 बजे आता हूं और सुबह 7 बजे घर जाता हूं। 13 घंटे की शिफ्ट होती है। तो जी इसलिए मैं जॉब से ही व्लॉग शुरू कर रहा हूं। अब जॉब से मैं निकलूंगा, जो जो करूंगा पूरा दिन आज आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ नहीं है भाई, ये मेरी एक्चुअल लाइफ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टे ट्यून। जब जॉब से निकलूंगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को तब मिलूंगा और बाकी आपके साथ आपको दिखाता जाऊंगा कभी मेरी पूरा दिन की रूटीन क्या है। जो भी करूंगा, सोऊंगा, उठूंगा, जागूंगा, कुछ भी करूंगा आज आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो एनीवेज व्लॉग शुरू कर लिया है, अब इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर लीविंग द जॉब एंड आई विल सी यू गाइस आफ्टर। अ फ्यू इंचेस लेटर। ओके गाइस, तो जॉब से निकला हूँ, टाइम हो रहा है 7:15। तो मैं सोच रहा हूँ आज आई फील सो काइंड ऑफ एक्टिव राइट नाउ, तो मैं सोच रहा हूँ बजाय घर जाने के हम पहले हाथ जिम चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से जाता हूँ जिम, लेकिन मैं जब तक जिम पहुंचता हूँ आप लोगों का क्या काम है, आप लोग तब तक जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, जब तक मैं जिम पहुंचता हूँ आप लोग ये काम कर लें। और प्लीज अगर आपसे सब्सक्राइब का बटन नहीं दब रहा तो किसी बच्चे को कह दें, पुप्पो को कह दें, चाची, नानी, ताई, मामी, हर किसी को कह दें भाई ये मुझसे बटन नहीं दब रहा है, इसको दबा दें। ओके, अच्छा हमको सिखा रही है। आप तब तक लोग ये कर लें, मैं जरा जिम पहुंचता हूं एंड आई विल सी यू गाइस देयर, स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, तो मैं जिम पहुंच गया हूं। एज यू कैन सी मैं जिम जा रहा हूँ, वर्कआउट करके मैं आप लोगों से मिलता हूँ। लेट मी फिनिश माई वर्कआउट एंड आई विल कम बैक एंड आई विल सी यू, देन आई विल गो होम। स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, जिम से निकला है जी, 8:30 हो गए, पूरा घंटा वर्कआउट किया, तो घर चलते हैं। तो फिर बाकी बातें घर जाके करते हैं, बातें करनी है। घर जाते हैं, शेक पीते हैं और सोते हैं भाई जाके, शाम को फिर जॉब पे आना। आई विल सी यू गाइस होम लेटर।
अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर वापस आ गए हैं, शुक्र अल्लाह का। टाइम हो रहा है 8:45, ठीक है। अब हमने बस शेक पीना है और शेक पी के सोने की तैयारी करनी है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को उठ के मिलूंगा, ठीक है। और यार देखो, ऑनेस्टली 13 आवर्स की शिफ्ट करने के बाद मेरे में तो एनर्जी नहीं रहती कि भाई मैं उसके फौरन बाद जिम जाऊं, लेकिन आज आई थिंक मैंने कॉफी बहुत ज्यादा पी ली थी, आई वॉज काइंड ऑफ एक्टिव। मैं चलो यार लगे आज जिम को नबेड़ते हैं, उसके बाद एक ही दफा घर जाएंगे तो फिर जाके आराम से सो जाएंगे। तो यार देखो, यही है लाइफ। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं, जो प्रदेश में लोग रहते हैं ना भाई, जो अपनी फैमिलियों को, अपने मुल्क को, अपने शहर को छोड़ के आए होते हैं, उनकी लाइफ अमेरिका में कैसी होती है, मैं आपको वो बता रहा हूं। और मैं, ये कोई कॉन्टेंट नहीं है, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये मैं आपको अपनी एक्चुअल लाइफ दिखाने वाला हूं कि मेरी डेली की रूटीन ये है। वो तो मैं आप लोगों के लिए, या कोई भी यूट्यूबर हो कॉन्टेंट ढूंढता है, ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में मेरी लाइफ क्या है। जो मैं बाकी आप लोग व्लॉग देखते हो ना कि भाई कोई दूसरा स्टोर दिखा दिया तो ये कर दिया तो वो कर दिया, भाई ये सब कंटेंट होते हैं, लेकिन जो आज का जो व्लॉग है ना, ये मेरी लाइफ है अमेरिका में, जैसे मैं डेली बेसिस पे जो मेरी लाइफ गुजरती है, ठीक है। जिम की एक्टिविटी मैंने आपको बताया 1000 दफा, वो मैं हो आया, अब इसके बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी है, कोई ग्रोसरी करनी होगी या कुछ भी करना होगा, ये तो मैं सो के उठूंगा, अपनी ग्रोसरी देखूंगा, मुझे कुछ चाहिए होगा तो वो भी ले आएंगे, उसके बाद जॉब पे भी जाना। लाइक आई सेड भाई, यहाँ पे सिर्फ काम करो, काम करके घर आओ, घर से वापस काम पे जाओ, ये लाइफ है। और रही बात यहाँ पे दोस्तों यारों की, यहाँ पे मेरे अमेरिका में सिर्फ 2 दोस्त हैं, 2 या 1, और वो भी तलसा में नहीं रहते, वो ह्यूस्टन में रहते हैं, यहाँ से 8 घंटे की दूरी पे, उसके अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। इसलिए भाई बस जॉब करता हूँ, जॉब से घर आता हूँ, घर से जॉब पे जाता हूँ, नोबडी। शायद कुछ लोगों को मेरी लाइफ बोर लगे, बोर कुछ लोगों को नहीं, सबको ही लगेगी, क्योंकि है ही ऐसी, ये तो बस। खैर चलो जी, शेक पीते हैं, शेक पीने के बाद हम सोने की तैयारी करेंगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कौन सा शेक पीता हूँ, ठीक है। पी के भाई मेरी तो बस हो गई है, अब सोने की तैयारी करते हैं, फिर मैं आप लोगों को उठ के मिलूंगा, ठीक है। आई विल सी यू गाइस। ओके गाइस, तो शेक में मैं खाली सिर्फ शेक नहीं पीता, मैं 2 चीजें हैं उनको मिक्स करके पीता हूँ, और वो क्या है मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ। ओ सॉरी, सबसे पहले भाई ये है मेरी वे प्रोटीन, ठीक है। इसके साथ है ये क्रिएटिन, तो मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ पानी के। मैं खुद, मैंने जैसे कि दिखाया कि पानी का मैंने कप भर लिया अपना, शेक मिक्सर जो भी कहते हैं उसको भाई, तो ये है वो, ठीक है। अब इसके अंदर ये 1 स्कूप इसका और 1 स्कूप इसका, चलो यार बिस्मिल्लाह, 1 स्कूप क्रिएटिन, चल भाई ओके, एंड 1 स्कूप प्रोटीन, ये दोनों हो गए इसके अंदर। ओके गाइस, बिस्मिल्लाह। परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह जी, शेक पी लिया, अब हम जा रहे हैं सोने, और इंशाल्लाह अब हम सो के उठ के मिलूंगा। और एक बात और बता दूं, मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आपकी फैमिली किधर है, तो भाई मैं आप लोगों को सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बताऊंगा, आप लोगों को मेरे घर की औरतें व्लॉग्स में नजर नहीं आएंगी, सिंपल ना। इस चीज में कोई आर्ग्यूमेंट है ना कुछ है ना, किसी जिसको भी जो कहना कह ले, भाई मैं अपने घर की औरतें व्लॉग में नहीं दिखा सकता, वो वजह ये है वो सब पर्दा करती हैं, तो मैं किसी को, अपनी फैमिली की औरतें मेरे घर में से आपको किसी को नजर नहीं आएंगी। इसलिए आज तक आप जितने भी व्लॉग देखेंगे उसमें आपको मेरी फैमिली में से कोई नजर नहीं आएगा, सिवाय मेरे बेटे के, ठीक है। आपको वो नजर आएगा, उसकी भी, वो भी आजकल नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए मैं उसको व्लॉग में लेके नहीं आ रहा, तो जैसे ही वो इंशाल्लाह बेहतर होगा उसको ले आऊंगा। तो जब मैं कभी पाकिस्तान जाऊंगा ना, तब आप लोगों को पता खुद ही समझ आ जाएगी, जब आप लोग मेरी पाकिस्तान की फैमिली से मिलेंगे ना, तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी कि भाई अच्छा इनका ये खानदान है तो इसलिए पर्दादार। तो बाकी बस ये मैंने आप लोगों को बताना था इंशाल्लाह। खैर बाकी अब हम सोने की तैयारी करते हैं भैया, मैं आप लोगों को सो के उठ के मिलूंगा, और बाकी फिर उसके बाद जो चलेगा आपको वो भी दिखाएंगे। सो आई विल सी यू गाइस व्हेन आई वेक अप इंशाल्लाह, स्टे ट्यून्ड। 6.5 hours later. गुड मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग तो मेरे लिए बल्कि गुड इवनिंग मिले रही है, और आप लोगों के लिए गुड मॉर्निंग होगी। पाकिस्तान में तो शाम को 3 रात के 3 बज रहे होंगे, 3 या 4 सुबह के 4 बज रहे होंगे। भाई आप लोगों के लिए गुड मॉर्निंग, मेरे लिए गुड इवनिंग, क्योंकि मैं उठा हूँ शाम को 6 बजे,
मैं मुझे 6 बजे जॉब पे जाना था, तो मैंने उठते 7 फ़ौरन पहले जॉब पे कॉल की कि भाई मैं नहीं आ, मैं थोड़ा लेट आऊँगा, मैं अभी सक नहीं आ रहा। खैर जी हम सो के उठ चुके हैं, सोते सोते मुझे 2 घंटे लग गए यार। मैंने आप लोगों को कहा मैं सोने जा रहा हूँ, बट आई कुडंट स्लीप, आई थिंक कॉफ़ी मैंने कुछ दबा के पी है पूरी रात। खैर तो ये फाइनली उठे हैं। अब ये है कि मैं उठते साथ क्या करता हूँ, अभी मैंने क्या कहा, मैंने पूरी रात कॉफ़ी बहुत पी है, और मैं उठते साथ खाली पेट पहले हाथ कॉफ़ी पीता हूँ लेमन का जूस डाल के उसके अंदर। उठते साथ ना भाई मेरी ऐसी आदत होती है मतवजी होती है, जैसे वो कॉफ़ी पीता हूँ थोड़ा ऐसे चौकस हो जाता हूँ। चलो पहले कॉफ़ी बनाते हैं उसके बाद बाकी बातें करते हैं। तो देखें ये मैंने पानी गर्म कर लिया, तो अब इसमें मैं ये नेस कॉफी है इसके भाई जरा थोड़ा ज्यादा डालते हैं भाई, पता नहीं क्यों। आई थिंक इतनी कॉफी है, बस इसको मिक्स कर लो। पानी में कॉफी मिक्स कर ली। अब ये है मेरे पास लेमन जूस है ये देखें, और मैं ये डालता हूँ इसके अंदर बस 1 स्पून आई गेस, या दैट्स इट। तो लेट्स डू इट। आई थिंक काफी है, थोड़ा थोड़ा। चलो कॉफी बन गई है जी, कॉफी पीते हैं ठीक है, उसके बाद शावर वगैरह लेते हैं, फिर रब के आगे सर झुकाते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे जॉब पे। मैंने सोचा था मैं बालकनी में जाके आपसे बातें कर लूं थोड़ी बहुत, भाई बाहर हवा बहुत तेज है और पता नहीं ठंड हो गई। इतना को पहले कहा कि भाई ये ओक्लाहोमा है, स्टेट है अमेरिका की, इधर सुबह कुछ और वेदर है, रात कुछ और वेदर है, यू नेवर नो। एनीवेज कॉफी पीते हैं, और मैंने आप लोगों से एक बात की थी सोने से पहले, मेरी फैमिली की लेडीज नहीं आएंगी ब्लॉग्स में, कभी भी नहीं आएंगी, लेकिन अगर कोई आया भी, कोई नजर भी आ गया आप लोगों को, तो बुरखे में होगा, दिना गना बी विदाउट पर्दा, पर्दा तो होगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब तो शायद वो आएंगी नहीं, क्योंकि मैं किसी से पूछे बगैर वो काम नहीं करूंगा। तो आई विल आस्क देम इफ दे वांट टू बी इन माय व्लॉग, दे कैन कम, बट आई डोंट थिंक सो। अगर आए भी तो पर्दे में आएंगे। बस ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आप लोगों को, आज मेरे तैयब की ना डेथ एनिवर्सरी है। अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनके लिए दुआ मगफरत कीजिएगा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नत में आला मुकाम अता करे जी, आमीन। उन जैसा तैयब हमने आज तक नहीं देखे भाई। मैं उनका नाम बता दूं आपको, अगर मैंने उनका नाम बता दिया ना आप लोगों को पता लग जाएगा मैं कौन हूं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा अभी। नाम आप लोगों को पाकिस्तान जाके बताऊंगा, पाकिस्तान जाके जब मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा, इसलिए काफी लोग जानते हैं फैमिली को, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी सबको, ठीक है। एनीवेज एक बात कहना चाहता हूँ, आज का व्लॉग शायद थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपनी पूरी रूटीन शेयर करने वाला हूँ, अव्वल तो होना नहीं है लंबा, क्योंकि लाइफ में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, लंबा नहीं होने वाला, बस वैसे आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, इट्स नॉट गोना बी लॉन्ग ब्रो। लिटरली आई एम ड्रिंकिंग कॉफी, इसके बाद शावर लेंगे, तैयार होंगे, नमाज पढ़ के जॉब पे चले जाएंगे वापस, दैट्स इट, ये है लाइफ। मेरा तो दिल कर रहा है मैं व्लॉग को भी खत्म कर दूं, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं लिटरली ब्रो। लेकिन चलो आप लोगों को नमाज के बाद मतलब कि शावर ले लें, फ्रेश हो जाए, उसके बाद मिलते हैं जब जॉब, घर से निकलेंगे जॉब के लिए, तब व्लॉग को एंड करेंगे। खाना भी लेना है मुझे, तो मैं खाना ले लूंगा बाहर से, या देखता हूँ कुछ बना, अगर बनाना हुआ तो बना लूंगा, आई एम लिटरली टेलिंग यू मैन, यही है। खैर कॉफी पीते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको, ठीक है, फिर व्लॉग को एंड करेंगे, स्टे ट्यून्ड। 2000 years later. Okay guys, तो ये शावर ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ ली है, अब हम जा रहे हैं जॉब के लिए, ठीक है, क्योंकि टाइम हो रहा है 7:30 और मुझे 8 बजे तक जॉब पे पहुंचना है, ठीक है, तो जॉब के लिए निकलते हैं। बाकी थोड़ी बहुत जो बात आपसे करनी है गाड़ी में बैठ के करेंगे और वहां पे व्लॉग को एंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा नो मोर एक्टिविटी टू डू। ओके तो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू गाइस इन द कार। मौसम चेक करो, हाय बहुत कमाल की हवा चल रही है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है यार, क्या करें भाई, यहाँ की यही है वेदर, सुबह कुछ है शाम को कुछ है। खैर हवा चल रही होगी आप लोगों को सही समझ नहीं आएगी, तो गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठ के बाकी थोड़ी बहुत जो बात करनी है वो करते हैं, फिर उस व्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है। बाकी लुक एट दैट, या इट्स ब्यूटीफुल काइंड ऑफ सनी टुडे,
बैठी हूँ, चलो जैसा भी है। अब हम जा रहे हैं अपने गैराज की तरफ, गाड़ी में बैठते हैं फिर बाकी बात है। बिस्मिल्लाह। तो जी जॉब के लिए निकल आए हैं, अब हम वापस जॉब पे जा रहे हैं। तो यार मैं इस व्लॉग को अब यहाँ पे खत्म करता हूँ। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज माय पर्सनल लाइफ, जॉब से जिम, जिम से घर और घर से वापस जॉब। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। देखो यार जब आप लोग अपनी फैमिली को छोड़ के आते हो ना दूसरी जगहों पे, आप मेहनत करने आते हो, तो भैया आप लोगों के पास इतना टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ मेहनत में इतने घूम डूब जाते हो कि आपको और कोई एक्टिविटी मिलती नहीं है। हाँ कभी कभी होगा, मेरे कभी दोस्त कोई ह्यूस्टन में चला गया, दोस्तों को मिलने चला गया या वो आ गए तो एक एक्टिविटी हो जाती है, अदरवाइज यहाँ पे कोई जल्दी किसी को मिलता भी नहीं है। आपके जो साथ पड़ोसी है ना, अगर आपने उनको भी मिलने जाना है तो आपको उनको हफ्ता पहले, दो हफ्ते पहले भाई वो बताना पड़ता है कि भाई हम इस डेट को आएंगे आपको मिलने, ठीक है। तो भाई यही है यहाँ की लाइफ, यही है मेरा व्लॉग, यही है मेरी रूटीन। इसके अलावा अगर आप कुछ देखते हैं ना कि मैं किसी स्टोर की वीडियो बना रहा हूं या कुछ कंटेंट, भाई वो हर यूट्यूबर है जो कंटेंट निकालता है, ठीक है, वो हर यूट्यूबर, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं। और मैं तो हूं ही क्या, मैं तो छोटा सा एक ना कनेक पौधा सा उग रहा हूं। तो बस भाई मतलब सिर्फ ये कहने का है कि जो अपना सब कुछ छोड़ के दूसरे मुल्क में आए होते हैं ना, उनकी एक्चुअल लाइफ ये होती है, और यही है मेरी लाइफ। इसमें कोई ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है या आपको मैं खाली, और मुझे पता है आप सब लोगों को शायद बोर लगे कि क्या यार, हाँ ऐसे ही है भाई, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, याद रखिएगा, राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने, ये बहुत बड़ी मिसाल, ये मिसालें ऐसे मशहूर नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग मुझे बताएं आप लोग क्या देखना चाहते हैं ताकि मैं उस तरफ कदम बढ़ाऊं, मैं वो आप लोगों को चीजें दिखाऊं। क्योंकि अगर मैं अपनी कोई भी देखो, आप अपनी डेली की रूटीन क्या शेयर करोगे, एक दिन शेयर करोगे, दो दिन करोगे, तीसरे दिन खत्म, क्योंकि सेम रूटीन है, ठीक है। तो आप प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, मैं उसके मुताबिक कदम बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। जिनकी फैमिलीज यहाँ पे होती हैं, जिनकी अपनी फैमिलीज इकट्ठी हैं, भाई उनकी मौजें हैं, सीधी जो सी बात है। और यहाँ पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हर बंदा अपने मुफाद के लिए, यहाँ पे नहीं पाकिस्तान में, हर दुनिया में हर बंदा अपने मुफाद के लिए जी रहा है, सिंपल सी बात। तो खैर मैं अब जा रहा हूं वापस जॉब पे जी, ऑलमोस्ट 7:45 हो रहे हैं, मुझे 8 बजे तक जॉब पे पहुंचना है, और मैं इस व्लॉग को अब यहां पे खत्म कर रहा हूं क्योंकि और कुछ है नहीं वापस जॉब पे, ठीक है। तो आप लोग अगर ये व्लॉग देखें तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लस प्रेस द बेल आइकन बटन, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। यार प्लीज बेल आइकन का बटन उसको जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और आप लोग प्लीज मुझे बताएं आप लोग क्या देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो सब कुछ करूंगा, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।